नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका बटाविया है। मैं छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल में पिछले 8 सालों से काम कर रही हूँ। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मरीज़ अपने दांत, जो पुराने दांत उनके टूट चुके होते हैं, उसको रिप्लेस नहीं करवाते हैं। तो मुख्यतः उसमें 2 प्रकार की समस्याएँ हम देखते हैं। पहला ये कि जो दांत मरीज़ ने नहीं लगवाया है, वो जगह वहाँ के दांत की खाली रह जाती है। आप समझने के लिए इस एक्सरे में देख सकते हैं कि ये जगह खाली होने की वजह से वहाँ की हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, और जो बगल वाला दांत है, क्योंकि उसके पास बगल में फंक्शन करने के लिए कोई दांत नहीं है, तो वो ओवर फंक्शन करने की वजह से वो दांत अपनी जगह से झुक जाता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में हर चीज़ 2 इक्वल हिस्से में बटी हुई है, तो अगर वो फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है खाना चबाने का, तो एक साइड पे जो दांत है उसका लोड बहुत ज़्यादा एक ही हिस्से में पड़ता है, तो उस दांत को ओवर फंक्शन करना पड़ता है और वो दांत अपनी जगह छोड़ के नीचे आने लग जाता है। मेडिकली इस चीज़ को हम सुप्रा इरप्शन बोलते हैं। तो इस एक्सरे में आप समझ सकते हैं कि एक दांत ऊपर में फंक्शन ज़्यादा करता है और वो ज़्यादा फंक्शन करने की वजह से अपनी जगह छोड़ के नीचे आ जाता है, और नीचे में जहाँ पर ये जगह खाली है उसके बगल वाला दांत जो है वो झुकने लगता है और वहाँ की हड्डियों को डैमेज करने लगता है, और ये जगह कम होने की वजह से कुछ सालों बाद यहाँ पर दांत लगाने में भी तकलीफ आती है, समस्या आती है, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज हम फेस करते हैं। एक और टेक्निक है इम्प्लांट करना और ब्रिज करना। दोनों टेक्निक दांत लगाने की जो होती है, चाहे हम इम्प्लांट की टेक्निक से जाएँ चाहे हम ब्रिज की टेक्निक से जाएँ, दोनों पद्धति ठीक है, दोनों पद्धति अच्छी है, लेकिन समय के साथ जितने अलग अलग प्रकार के मटेरियल इवॉल्व हुए हैं, जितनी टेक्नोलॉजीज एडवांस हुई है, उसमें इम्प्लांट लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। समझने के लिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ समझाऊंगी। कुछ 5-7 साल की स्टडीज़ हमने करी थी, उस स्टडी के जो कंपैरिजन रिजल्ट्स आए थे उसमें ये पाया गया कि जैसे इम्प्लांट अगर हम लगाते हैं किसी दांत में, तो ये इम्प्लांट बेसिकली एक टाइटेनियम का स्क्रू रहता है। इस स्क्रू के माध्यम से अंदर जाकर वो हड्डी में अपनी पूरी एक पकड़ बना लेता है और एक खूंटे के समान हड्डियों में एक पूरा सपोर्ट दे देता है। उस सपोर्ट की वजह से जो कैप लगता है या जो रिप्लेसमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है, क्योंकि अंदर में एक उसको एक नींव मिल चुकी है जिसके सहारे वो वहाँ की हड्डियों को मजबूती से पकड़ के रखा रहता है। वही जो हमारा पुराना टेक्निक होता था जिसमें हम अगल बगल के स्वस्थ दांतों को घिसते थे और उस दांत को घिस के जब हम ब्रिज लगाते थे, तो कुछ सालों के बाद ये पाया गया, जैसे इस दांत लगाने की जो टेक्निक है, बगल वाले दांतों को हमने घिसा और उस टेक्निक के सहारे हमने यहाँ पर एक ब्रिज लगाया। ये ब्रिज कुछ समय तक तो बहुत अच्छे से साथ दे देते हैं, लेकिन समय के साथ शरीर का हर एक हिस्सा जो है वो एजिंग की तरफ बढ़ता है। तो नॉर्मल ब्रिज वाला जो टेक्निक होता है उसमें चूंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ठोस अंदर में नींव नहीं है, तो समय के साथ वहाँ के मसूड़े शिफ्ट होने लगते हैं, वो लोड बेरिंग एरिया वीक होने लगता है। उसकी वजह से ये ब्रिज की जो लॉन्गिटिविटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, और कुछ सालों के बाद ये ब्रिज कमज़ोर होकर निकलने लगते हैं या ढीले पड़ने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उसमें बगल वाले दांतों में इन्फेक्शन आने की भी एक संभावना बढ़ जाती है, और उसके बाद वो ब्रिज कमज़ोर होकर हिलने लगता है, और फिर उसी टेक्निक को अगर हमको आगे कंटिन्यू करना रहता है तो वो पुराना ब्रिज हटाना पड़ जाता है, और उसके बाद फिर एक और बगल का जो एडजेसेंट दांत रहता है, जो कि एक स्वस्थ दांत रहता है, उस स्वस्थ दांत को भी हमें फिर से घिसना पड़ता है और एक नया ब्रिज लगाना पड़ता है। तो ये एक कंपैरिजन वाली स्टडी है जिसमें हमने ये पाया है कि चूंकि अभी जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे अलॉयज से बनते हैं और एक बहुत अच्छी पकड़ बना देते हैं हड्डियों में, तो कंपैरेटिवली इम्प्लांट्स के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं।